पर बड़ी खबर इस वक्त की, राजधानी जयपुर से 2.5 करोड़ रुपए की सोने की ज्वेलरी यहां पर बरामद की गई है। पुलिस ने एक रिवॉल्वर भी जब्त किया है। बड़ी और अहम जानकारी, करीब 6 किलो सोना भी जब्त किया गया है। पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई है। जयपुर से बड़ी खबर, 2.5 करोड़ की सोने की ज्वेलरी बरामद की गई है। पुलिस ने एक रिवॉल्वर भी जब्त किया है। करीब 6 किलो सोना पुलिस ने जब्त किया है। एसपी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ध्वज आर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्वज, क्या कुछ जानकारी, कैसे यह कार्रवाई की गई है और किस पर की गई, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई है, देर रात की कार्रवाई बताई जा रही है। मनोहरपुर थाने जो पुलिस है उसको सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध गाड़ी आ रही है, तो टोल पर उस गाड़ी को रुकवाया गया। ये जो गाड़ी थी इसमें कैश वैन की गाड़ी थी और कैश वैन इसको ले जाया जाता था, तो इसकी जब तलाशी ली गई तो करोड़ों की कीमत, करीब 6 करोड़ कीमत का जो सोना है वो उस गाड़ी में मिला। और उसके साथ साथ में एक गाड़ी में गनमैन भी सवार था। उस गनमैन के हथियारों की जांच की गई तो कोई लाइसेंस उसके पास नहीं था, किसी प्रकार का उसके पास में जो परमिट होता है वो नहीं था उसके पास में। पुलिस में उसे पूछताछ के लिए जो है थाने लाए गए और उसके साथ साथ में पूरी गाड़ी को जो है थाने लाके जब चेक किया गया तो पुलिस भी एक बार भौचक्की रहेगी, क्योंकि करोड़ों की कीमत का जो सोना था वो पुलिस को मिला है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। एक ड्राइवर को भी फिलहाल हिरासत में लिया गया है और इनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जो ये जो गनमैन मिला था गाड़ी के अंदर, जो गनमैन सवार था, उसकी जो रिवॉल्वर है और कारतूस हैं उसके पास जो मिले हैं वो पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। फिलहाल ये जानकारी पुलिस की तरफ से अब जुटाई जा रही है। चूंकि जयपुर से दिल्ली ये सोना ले जाया जा रहा था तो इनके कागजों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि ये सोना कहाँ से लेके जा रहे थे और किसको डिलीवर करना था, तो पूरी जानकारी अभी इनसे पूछताछ करके जो है पुलिस को फिलहाल मिलेगी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है ये मानी जा सकती है जी। लेकिन ध्वज, क्या इस बात की भी जानकारी मिल पाई है कि ये सोना किसका था, आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर यहाँ जयपुर से ले जाया जा रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जो पुलिस ने पूछताछ की है इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया है, लेकिन पुलिस को ये जानकारी मिल गई है कि ये सोना कहाँ से ले जा रहे थे और किसे डिलीवर करना था, लेकिन पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर जो एसपी ग्रामीण है शंकर दास शर्मा, इसमें एक प्रेस वार्ता करेंगे और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन इस तरीके की जो जो गाड़ियां हैं, जिस तरीके से ये गाड़ियां जा रही हैं हाईवे पर और लगातार इनकी चेकिंग करी जा रही है पुलिस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा सकती है। ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन हाईवे भी चला रखा है जिसके तहत सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, तो इसी तर्ज पर अभी एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ तक ही है।